हरे कृष्णा, आपका स्वागत है एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ की एक नई कड़ी में। दर्शकों, जनरली हम देखते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है या बुरा भी हो जाता है। अगर हम बुरा करने जाए तो कभी कभी बाय लक अच्छा हो जाता है और बुरा भी हो जाता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में ये चीजें होना बहुत कॉमन सी बात है, बट भक्ति में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। भक्ति में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। भक्ति में अगर हम कुछ करना चाहें और अगर हम सोचें कि ये भक्ति नहीं करनी है, हमें कुछ और उसका रिजल्ट चाहिए, बट अल्टीमेट रिजल्ट भक्ति डेफिनेटली हो जाता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इसी एग्जाम्पल का एकदम एक जीवंत उदाहरण है। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, इन्होंने अपना काफी जीवन भगवान को ना मानने में निकाला था, बट कैसे ये भक्ति में आए ये जानना उनके मुंह से ही सुनने में अच्छा लगेगा। आज ये आर्मी के कैंटोनमेंट एरियाज में प्रचार कर रही हैं और इस तरीके से आर्मी के लोगों को भक्ति में इंट्रोड्यूस कर रही हैं। तो हम वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट का, जिनका नाम है अच्युत भक्ति देवी दासी जी। हरे कृष्णा अच्युत, हरे कृष्ण भक्ति, हरे कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे शो में एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। तो आज हम थैंक मुलाकात यू। करेंगे आपके साथ, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपका बचपन कैसा रहा, आपका जो कहते हैं अपब्रिंगिंग वो कैसा रहा, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोग, आप पूरी हरे कृष्ण टीवी टीम एंड दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया है। गुरु महाराज एंड श्रील प्रभुपाद, मैं अपनी सेवा ये आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। प्लीज एक्सेप्ट इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई हियरिंग। बचपन, यस, बचपन हमारा बहुत ही जोशीला। जैसे ही बचपन की बात आती है तो बहुत जोश अंदर से आ जाता है। रुचा जी, मेरा बचपन नॉर्मल एक वैश्य परिवार में जॉइंट फैमिली थी। हम लोग 4 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, कजन्स वगैरह। तो नॉर्मल चाइल्डहुड जो होता है, पढ़ते लिखते खेलते खाते हमने बिताया है। और मैं बचपन से थोड़ी शांत और सेंसिटिव चाइल्ड रही हूँ एंड थोड़ी ऑब्जर्वेंट थी। और मेरे पिताजी चूंकि बिजनेस में थे तो उनका बिजनेस टूरिंग बहुत होता था। और खाने के टेबल पे हमें याद है हम लोग बहुत शेयर करते थे उनके अपने टिप, अपने लाइफ, अपने टूरिंग का चीज़ बहुत करते थे। तो उन्होंने इस तरह करके मेरे अंदर थोड़ा एडवेंचर एटीट्यूड, मतलब कि एडवेंचर का भी सीड उन्होंने डाल दिया था। और भक्ति तो हमारे घर में नहीं थी क्योंकि हम लोग मम्मी ही केवल पूजा किया करते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने राधा कृष्ण का एक केक विग्रह को हमारे ऑल्टर रूम में उन्होंने स्थापित किया था। तो मॉर्निंग आपकी में एंड इवनिंग, कैन यू हियर मी? आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, तो आप थोड़ा लाउडली बोल सकते हैं। हाँ, मेरे पिताजी ने बचपन में हमारे घर पे एक राधा कृष्ण के विग्रह को पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया था। तो हम लोग मॉर्निंग में प्रेयर एंड इवनिंग में आरती करते थे, पर पूजा वूजा ऐसा कुछ नहीं। और जैसे हमारे स्कॉन में जो एज अ फैमिली हम लोग बैठ करके जो भक्ति करने का जो ऐप वो है, वो हमारे इसमें नहीं था। और बच एक न्यूक्लियर फैमिली में जैसा होता है कि बच्चे मेन हो जाते हैं, तो वैसा 100% अटेंशन तो हमारे पेरेंट्स का नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली जो है उसमें बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड थोड़े इंक्विजिटिव भी हो जाते हैं बिकॉज वो अपने ऊपर ज्यादा बैंक करते हैं। और पूजा पाठ, जैसे पूजा पाठ उतना ज्यादा हमारे यहाँ नहीं, मतलब कि हमारे मेरा रुझान नहीं था, घर में तो था। एंड जैसे बचपन में नॉर्मल हम लोग पिकनिक मूवीज वगैरह जाते थे तो मंदिर भी जाया करते थे। और मंदिर में ये था कि मैंने एक सेवा ले रखी थी कि आप लोग सबको दर्शन करके आओ, मैं आप लोग के जूते देखती हूँ। तो शायद मैंने सुकृति अर्जित कर, वहीं से सुकृति अर्जित अर्जित की होगी। व्हाट डू यू से क्रिएचर? वाह, एनीवे, ये था कि दो कारण था एक्चुअली। एक तो भीड़ भाड़ एंड जो नोटोरियस एलिमेंट होते हैं उनको अवॉइड करने का इंटेंशन हुआ करता था, एंड दूसरा श्रद्धा की कमी तो थी। और ये श्रद्धा की कमी का अगर मैं कारण अभी देखती हूँ तो ये था कि जो हमारे एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो
जैसे लोग धर्म के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा बाहर भी देखते हैं और घर में भी होता है। घर में होता है इन सेंस, जैसे बच्चों को हम लोग डराते हैं ना कि कर लो नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, पाप लगेगा एंड ऑल दैट। तो इससे मेरे, क्योंकि ऑब्जर्वेंट चाइल्ड थी, तो मेरे मन में ये था कि जो पूजा पाठ करेगा वो डरपोक बन जाएगा, जो कि मेरे एडवेंचरस जो जो माइंड को फीड नहीं करता था। तो इस करके मेरा थोड़ा एवर्जन जैसा हो गया था। और मुझे याद है 1979 और 80, जब मैं क्लास 9 10th में थी, तो उस वक्त न्यूज़पेपर में ना 4 5 केसेस आए थे कि इस बच्चे को, 5 साल के बच्चे को अपने पिछला जन्म याद आया, यू नो। सो अच्छा इट वाज वेरी एंड तो इसने मेरे दिमाग में इतने सारे प्रश्न भर दिए थे कि मुझे उसका आंसर कभी मिला नहीं था। एंड अपने फादर से मैंने शेयर किया था, बट लेकिन सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। वो बाद में मुझे मिला प्रभुपाद के बुक में, जो कि मैं बाद में मेंशन करूंगी। एंड तो इन अ शॉर्ट, इन वन सेंटेंस, इफ आई से कि मेरा बचपन तो एक इंक्विजिटिव एथिस्ट के कैटेगरी में मैं अपने आप को रख सकता। बट आप जैसा कह रहे हैं कि इनक्विजिटिव एथीस्टिक आप चाइल्ड कैटेगरी में खुद को रखेंगी, बट आपने जो वो मंदिर के बाहर जूते संभालने वाली जो सेवा की, उसकी वजह से यदि अगर हम कहें कि आपका वो सुकृति जो ऐड हुआ था, वो धीरे धीरे करके आपको भक्ति में डेफिनेटली लाया होगा, भगवान यस ने यू आर आपकी राइट। सेवा को देखा। तो चलते हैं हम आपकी लाइफ के अगले पड़ाव पर। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स का रुझाव था और आपका नहीं था, तो आपका जैसे मैरिज लाइफ में आप जैसा हम जानते हैं कि आप एक आर्मी पर्सन से मैरिड हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मेरे पिताजी का देहांत थोड़ा जल्दी हो गया था। जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने उनको खोया था, ये 1985 की बात है। एंड सबसे बड़े होने की वजह से, और दैट टाइम आई वाज 21 ईयर ओल्ड, तो मम्मी थोड़े चिंतित थे। और इस करके मेरी पढ़ाई, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो मेरे अच्छा साथ में, हाँ मेरे साथ ये हो गया था कि 3 3 बार फाइंड आई हमने फेस किया। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मेरी शादी पढ़ाई के बीच में करनी पड़ी। एंड तीन चीज इकट्ठे हुई थी, एक तो फादर की डेथ, फिर शादी, जो कि अपने आप में किसी के लिए भी बहुत इवेंटफुल होता है। एंड थर्ड वाज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। तो ये दोनों चीज हमारे परिवार में दूर दूर तक आर्मी का कोई मतलब कोई नहीं था आर्मी में, तो इसीलिए बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू लाइफ थी। तो मैंने अपने आप को इसको डील करने के लिए एडवेंचर मोड पे डाल दिया। मैंने कहा कि जो होगा देखेंगे, लेट्स सी, लेट्स फेस इट हेड ऑन। और ये करके मुझे लगता है कि ये करके मैंने शायद बहुत वाइज डिसीजन लिया था। इन अ सेंस मैं बिल्कुल फोकस थी कि वॉट एवर विल कम आई विल फेस इट। तो यू नो निगेटिव आस्पेक्ट सोचने का वक्त नहीं था, सो यू आर जस्ट मूविंग विद द फ्लो। सो इस करके एंड आर्मी का लाइफ, यस ऑफ कोर्स मैंने बहुत इंजॉय किया। एक तो बहुत जगह हम लोग ट्रांसफर होते थे, तो बहुत जगह और देखने को मुझे मिला। और एक नॉर्मल जो गृहस्थ की लाइफ, नॉट गृहस्थ, गृह में भी कहूँगी शास्त्र पढ़ने के बाद, एक नॉर्मल कर्मी का लाइफ था। इवेंचुअली बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, ये दोनों हमारे लाइफ में आए और सब कुछ अच्छा चल रहा था। आर्मी के फ्लो के साथ मैं जा रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। झटका लगा था 2000 में, आई हैड टू अंडरगो सर्जरी। तो अच्छा उस सर्जरी के बाद मैंने लोगों को बोला था कि कोई मेरे पास हॉस्पिटल में नहीं आएगा 2 दिन तक, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव टाइम टू माई सेल्फ। अच्छा एंड बचपन में मैंने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में मैं थोड़ा पढ़ी थी, इसलिए कृष्णमूर्ति जी के फिलोसफी के प्रति मेरा रुझान था। तो मैं अपने आप को जब खोज रही थी, अपने आप से जब बात कर रही थी, यू नो, तो कृष्णमूर्ति जी के फिलोसफी का मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी। उनकी एक बुक जो कि मेरे बहुत हार्ट के बहुत करीब है, कमेंट्रीज ऑन लाइफ। तो लाइक हाउ ही यूज टू डिस्क्राइब दैट, उनका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3 पैराग्राफ होते थे। फर्स्ट पैराग्राफ में यूज टू डिस्क्राइब द यू नो एम्बियंस एंड ऑल दैट, एंड सेकेंड पैराग्राफ में सपोज द टॉपिक वॉज इंट्यूशन, तो दैट वॉज द कम्प्लीट एनालिसिस ऑफ ऑन इंट्यूशन। एंड थर्ड पैराग्राफ जो उनका हुआ करता था,
दैट इज ही यूज टू गिव ऑल इंग्रेडिएंट्स टू लीड बट नेवर द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन यू हैव टू फाइंड आउट. सो दैट वाज सूटिंग माय एडवेंचरस यू नो माइंड. एंड ये बात है लगभग 2000 की बात है ये. एंड इसके बाद प्रभु जी की पोस्टिंग फील्ड में हुई थी. मतलब क्या फील्ड का मतलब ये कि जहाँ हम फैमिली हम लोग नहीं जा सकते तो हम बच्चों के साथ दिल्ली मिलते. एंड उन दिनों में अपने आप को जो खोजने का जो मेरा प्रयास चल रहा था तो उसमें मैंने कुछ सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ी थी, जैसे पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले एंड हाउ टू मास्टर चेंज इन योर लाइफ बाय मूरे एंड द मंक हू सोल्ड हिज रेड फरारी. तो द जिस्ट ऑफ दोज ऑल दिस रीडिंग वाज कि इन लोगों ने ईस्ट में आकर के सेजेस के साथ कुछ टाइम बिताया था हिमालयस में एंड उससे उन्होंने जो थोड़ा बहुत कंसीव किया था उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था हमारे सामने. तो ये हमारी गीता टीचिंग है जो कि बाद में मुझे पता चला. एंड फिर हम लोग पांडिचेरी गए थे और अरविंदो आश्रम भी विजिट किया था. तो वहाँ पे और अरविंदो की उसमें से मैंने दो बुक ली थी, एक मदर एंड दूसरा ग्रो विद इन. सो दिस ग्रो विद इन वॉज पुशिंग मी टू यू नो फॉर माई इनर जर्नी. टर्न मी टूअर्ड्स माई इनर जर्नी. एंड फिर इसके बाद प्रभु जी फील्ड में थे और वैकेशन में हम गए थे तो वहाँ पे हमने ओशो को पढ़ा था. तो ओशो की फिलॉसफी से आई टुक इट एज अ बी एक्सपेरिमेंटल इन लाइफ. सो व्हेन आई बी केम बैक फ्रॉम वैकेशन तो मेरे इन लॉज आए थे तो वो चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो मैं उनको लेकर के इस्कॉन मंदिर गई थी. वॉइस मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने इतना सारा आपने बुक्स पढ़ा, आपका जिसे कहते हैं कि बात कर, आपको बुक्स के थ्रू जैसे इनर फुलफिलमेंट मिल रहा था, आप अपना एक जर्नी पे थे कि क्या मैं कौन हूँ, वैसे वाला जर्नी जैसा आप बता रहे हैं. तो इस सब में आप भक्ति के साथ आपका कैसे जुड़ाव हुआ, ये सारी बुक्स ने क्या आपको भक्ति में लाने में कुछ हेल्प किया या आगे क्या हुआ आपके भक्ति में स्टार्ट होने की जर्नी के लिए? आई विल कम बैक टू दैट. जी डेफिनेटली ये तो था कि जो इनके जो कि ईस्ट में आते थे और हिमालयस में आते थे तो मुझे लगता है कि अच्छा ओके हिमालयस तो हमारे यू नो हमारे कंट्री को ही बिलोंग करते हैं. जी सो ये जब मैंने जब वैकेशन से हम लोग वापस आए थे ना तो पेरेंट्स आए थे उनको लेकर मैं इस्कॉन मंदिर गई थी. तो आई एम फ्रॉम वाराणसी. तो बनारस में आप अगर जैसे विश्वनाथ टेम्पल जाओगे ना तो एक गली के अंदर से आपको जाना पड़ता है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं वहाँ पर बुक की एक भी बुक शॉप नहीं मिलेगी. अच्छा. तो मैं अपने हाँ तो फर्स्ट टाइम मैं इस्कॉन आई थी अपने इन लॉज को लेकर के. एंड वहाँ पे जब आप मंदिर ऊपर जाते हो तो लेफ्ट साइड में बुक शॉप है. आई वॉज स्लाइटली कि मंदिर में बुक कैसी बुक होंगी इसमें यू नो. मैंने उनको कहा कि आप चलो दर्शन कर दें मैं आती हूँ. एंड आई वेंट टू द बुक शॉप. देयर आई टुक टू बुक्स, वन वॉज कमिंग बैक एंड सेकेंड वॉज योर बेस्ट फ्रेंड. दिस कमिंग बैक आई गॉट द आंसर टू मैं 20 साल पहले खोजा करती कि पुनर्जन्म एंड रीइंकार्नेशन के ऊपर था. एंड योर बेस्ट फ्रेंड द टाइटल वॉज वेरी कैची. So that was the reason I chose those books. And of course, these two books, मुझे इस्कॉन की तरफ खींचने लगा था. But I used to come only to buy books, not to the temple. तो के अंदर नहीं जाते थे? No, मैं बहुत नालायक थी. So I was taking books from there. And my second trip to temple or third, I don't remember, but वहां पे जब एंटर करते हो तो लिखा था लाइब्रेरी और एरो बना हुआ था. मैंने कहा ये कैसा मंदिर है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी होता है. वाओ राइट. एंड आई वेंट इनसाइड और बाहर में मैंने देखा था कि फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद यू नो. तो मैंने कहा कि और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बायोग्राफी. अच्छा. तो जब मैं लाइब्रेरी में गई तो मैंने उसी दिन में लाइब्रेरी की मेंबर बन गई थी. एंड द फर्स्ट बुक जो मैंने वहां पे इशू करवाया था दैट वाज प्रभुपाद का लीलामृत. That oh, thick amazing. one, the six, yeah, that the thick one. और वो book मैंने जो पढ़ना शुरू किया. एंड मैं बीच बीच में कभी कभी जॉब भी कर लेती थी, हालांकि उन दिनों मैं छोड़ा हुआ था जब क्योंकि प्रभु जी नहीं थे, हस्बैंड साथ में नहीं थे. तो मैंने कहा कि बच्चे भी फादर भी नहीं, अगर मदर भी अगर जॉब करती तो बच्चों की रेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जॉब छोड़ा हुआ था.
तो बट लेकिन अपने अपने खुद के सेटिस्फेक्शन कि यस आई एम वर्थी फॉर दिस सोसाइटी आल्सो, सो एट टाइम्स आई यूज्ड टू टेक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस 3-4 months स्कूल टीचिंग जॉब लाइक दैट. सो दोज डे आई वाज रीडिंग दैट प्रभुपाद का लीलामृत, इट टुक मी 3.5 months टू फिनिश दैट बुक. बट दोज 3.5 months वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस. Wow. Prabhupada has transformed me totally. I was altogether a different person. I am indebted to Prabhupada for that because he has given direction to my life. Wow. So that is the entry of. जी तो दर्शकों, अच्युत भक्ति जी के इस लाइव एग्जाम्पल से हम ये जरूर जान सकते हैं कि जो प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, जैसा कि और भक्त लोग भी कहते हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स जो हैं वो टाइम बॉम्ब है, वो फट जाती हैं, और वो फटने के बाद में आपको कैसे भक्ति में खींच के लेके आ जाती हैं, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो यदि आप भक्ति करने में इंटरेस्टेड हैं, या आप सोचते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आपका भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीजें, अगर आपको कुछ भी, आपको कोई भी डाउट है, यदि आप श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप भगवान के साथ तो ज्वाइन हो ही जाएंगे, और आपका जो इनर फुलफिलमेंट जिसके लिए आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली भक्ति में आके मिल ही जाएगा। तो अच्युत भक्ति, जैसा कि आपका भक्ति में इंट्रोडक्शन इतना अमेजिंग और जिसे कहते हैं इतना एक्साइटिंग जर्नी आपका रहा है, क्योंकि आप बुक्स के थ्रू आई हैं, ऐसा बहुत, जैसे बहुत कम अभी तक हमने ऐसा सुना है कि हम बुक्स के थ्रू कोई आए हैं, तो आपका आगे का जर्नी कैसा रहा? आपके घर वालों ने आपको क्या रिएक्शन था, क्योंकि पहले आप नहीं जाते थे, अभी आप डेफिनेटली, आपका लाइफ एकदम चेंज हो गया, तो अभी उनका रिएक्शन क्या था? घर में इट वाज वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि मेरे इन-लॉ तो रिलीजियस बैकग्राउंड के थे, तो उधर से तो मेरे को कोई उठा नहीं. एंड सेकेंडली मेरे हस्बैंड का भी सेम बैकग्राउंड था, अगर नोटोरियस तो हमारी फैमिली थी ना. सो तो हमारे सिस्टर्स वगैरह उन लोगों ने भी पॉजिटिव ही लिया था, सबने पॉजिटिव लिया था बिकॉज, लेकिन हाँ उन लोग को सरप्राइजिंग, इट वाज रियली वेरी सरप्राइजिंग फॉर देम कि मी एंड यू नो डिवोशन लाइफ. तो बट ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही मुझे ज्यादा परेशानी हुई, ऐसा कुछ नहीं था. एंड उन्हीं दिनों ऐसा हुआ था कि हम लोग दिल्ली में रहते थे, तो वीकेंड में वी वेंट टू मथुरा एंड वृंदावन. अच्छा ओके इट वाज हाँ एंड वहाँ पे बहुत एक्साइटिंग चीज हुई थी मेरे साथ, मतलब कि आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस आई कैन से, बिकॉज आई वाज सर्चिंग नो. सो मेरे ख्याल से कृष्णा मेरी मदद कर रहे थे. एंड स्टोरी तो बहुत लंबी है, बट मैं इसको कट शॉर्ट एक सेंटेंस में करती थी. लिटरली कृष्णा हैज रिवील्ड मी दैट डे देयर. सो इसके बाद मैं इस्कॉन थोड़ा ज्यादा आने लग गई थी. एंड वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड भी वापस यहाँ पे आ गए थे, दिल्ली में आ गए थे, और हम लोगों ने फिर आश्रय ग्रुप भी ज्वाइन किया था. तो मेरा सर्च जो है 6 years हमने लिया था ये अपने सर्च सर्च में. एंड फिर इसके बाद आश्रय ग्रुप जो हमने ज्वाइन किया था, तो उसमें मेरी जो मेंटर थी ना, एक बार तो मैंने उनको बोला था, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ हर ओनली आई वेंट टू आई ज्वाइन दैट कार्तिक मेला. हुआ ये था कि हम तो वृंदावन गए थे, तो जो वृंदावन का एक इमेज मेरे माइंड पे था, और जब मंदिर में आए तो कार्तिक का मन था दीपदान के लिए हम आए हुए थे. तो दैट दीपदान के बाद वेडनेसडे, इट वाज वेडनेसडे, एंड उस दिन क्लास जो होता है वो मैंने क्लास अटेंड किया था. फिर प्रसादम के लिए गए थे, तो उस प्रसादम में देवर बता रहे थे लोगों को कि कार्तिक यात्रा जा रहा है, आपको चलना चाहिए. एंड ऑल द वे शी वॉज एक्सप्लेन, शी वॉज सो एंथुजियास्टिक अबाउट दिस यात्रा. मैंने कहा कि ऐसा क्या है वृंदावन में, मैंने भी तो 6 years पहले देखा था, ऐसा तो कुछ था नहीं, बट द वे शी इज, सो इट वॉज वेरी, आई वॉज यू नो वेरी इंटरेस्टेड टू सी अगेन वृंदावन. मैंने कहा कि एंड फ्रेंकली स्पीकिंग रिचर, जब मैं परिक्रमा कर रही थी ना, मैंने कहा दैट गर्ल हैज मिसलेड मी एक्चुअली, बिकॉज वो गर्मी लग रही है, ये सब हो रहा था, और हमने कहा इसने पता, आई वॉज नॉट वेरी यू नो हैप्पी एंथुजियास्टिक अबाउट दैट यात्रा. बट द गोविंद कुंड में, द लास्ट 2 days का ये ट्रिप था, गोविंद कुंड में जो लास्ट दीपदान के बाद जो कीर्तन हुआ था, हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु का, तो जो टेम्पल प्रेजेंट, दैट कीर्तन वॉज
I don't have words to express that. And during Kirtan, I started crying. For what reason, I don't know. इतना मैं रोई थी, जैसे कहते हैं ना कि हृदय की ग्रंथियां खुल गई. इट वॉज लाइक दैट. फिर इसके बाद हम लोग का टेम्पल में थोड़ा आना जाना, और फिर आश्रय ग्रुप का ज्वाइन किया था, तो एक 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 फ्लो बन गया था भक्ति का. हमारे घर में कृष्णा कॉन्शियसनेस आ चुका था. एकादशी करने लग गए थे, एंड यू नो या एकादशी करने लग गए थे हम लोग, और प्रॉपर क्लास कर रहे थे. तो फिर ये सारी चीजें तो भक्तों का संग तो अपने आप हो ही जाना था. जी जी बिल्कुल. तो इतना सुंदर आपने जो बताया कि कैसे आपने जो गोविंद कुंड में कीर्तन सुना, उसके बाद से आपका हार्ट एकदम मेल्ट हो गया. तो दर्शकों, ये चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है. जैसा कि मेल्ट हो गया अच्युत भक्ति जी ने कहा, तो ये चीज अगर हम कहें कि हमारा एक मैंने एग्जाम्पल सुना था कि हमारा हार्ट जो है ना वो एकदम बटर की तरह जब सॉफ्ट हो जाता है ना, तब उस टाइम पे भगवान को, क्योंकि भगवान माखन चोर है, भगवान उसको चुरा लेते हैं. और वो मेल्ट कैसे होगा? वो भगवान का नाम लेने से होगा. वो बटर कैसे बनेगा? वो स्टील फ्रेम्ड हार्ट जो इतना हार्ड हो चुका है ना हमारा भौतिक संसार में रह के, वो बटर बन जाएगा कैसे? भगवान का नाम लेने से. जैसा कि अच्युत भक्ति जी ने बताया कि वो कीर्तन सुनने से उनका हार्ट मेल्ट हो गया, और भगवान ने वो मेल्टेड बटर को चुरा लिया, उनके हृदय से एकदम निकाल लिया. तो अच्युत भक्ति जी, अभी आपका जो इतना ब्यूटीफुल जो इंट्रोडक्शन रहा है भक्ति में, किस तरीके से आप भक्ति में आए और कैसे आपने एकदम डिवोशन आपका लाइफ बन गया, तो जो ये आर्मी में आप प्रीचिंग कर रहे हैं, हमने सुना है कि आप आर्मी कैंटोनमेंट एरियाज में आप भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए. यस, इसके बाद जब हम वहां पे थे तो दिल्ली में तो आर्मी लाइफ ही थी, बट दिल्ली में आर्मी लाइफ हमारी कैंटोनमेंट वाली लाइफ नहीं होती है. तो घर में क्योंकि हाउस प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट कर हमने कर लिया था दिल्ली में जब थे, तो जो हमारी मेंटर थी अच्युत, अमृता कांता माता, तो शी वॉज हेल्पिंग मी, शी यूज टू कम फॉर टू टेक द क्लासेज एंड ऑल दैट. तो एक बार मैं ना हमारे आर्मी में एक मंथली इवेंट होता है, लेडीज गेट टूगेदर दैट वी कॉल लेडीज मीट, ठीक है. सो दिस फॉर दैट लेडीज मीट आई इन्वाइटेड हर. तो उसमें हम लोग मोर देन 500-600 लेडीज होते हैं उसमें. इट वॉज अ वेरी बिग ऑडिटोरियम जिसमें हमको लेकर के गई थी. एंड व्हाइल कमिंग दैट व्हाट हैपेंड, मुझे कुछ काम था, तो मैंने उनको कहा कि मैं ना 5 मिनट में आती हूँ, मेरे को बस एक चीज पिक करना है. तो शी सेड कि हाँ ले लो आप. आई वॉज फीलिंग बैड कि मैं उनको वेट करवा रही हूँ, बट शी सेड कि नहीं कोई बात नहीं, मैं माला कर लूंगी यू नो इन द मीन टाइम. सो व्हेन आई केम बैक आई स्टार्ट द कार, एंड जब उनका राउंड खत्म हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा माता जी आपके घर में जो फैसिलिटी है, तो ये जो इतनी लेडीज हैं सबको ये फैसिलिटी मिलती है क्या? तो मैंने कहा या बाय एंड लार्ज. सो एंड आई डिडंट सी हर रिएक्शन. सो कहते एंड बिकॉज आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन ड्राइविंग, सो शी सेड कि ओके. एंड इनका डेली रूटीन क्या होता है? मैंने कहा नॉर्मल डेली रूटीन एक हाउसवाइफ का क्या होता है, बच्चे को स्कूल भेजती हैं, घर ठीक से रखते हैं हम लोग, एंड ऑफकोर्स किटी पार्टीज वगैरह होती हैं एंड शॉपिंग ये सब होता है. शी सेड व्हाट अ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट वाज अ बॉम्ब लाइफ टू मी लाइफ. आई जस्ट पार्क द व्हीकल एंड शी सेड माता जी क्या हुआ? अंदर ही जस्ट ड्रॉप अ बॉम्ब. सो ही डिड हर शी डिडंट से एनीथिंग, बट यस इनका ये जो था ना इज वेस्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. इसने मुझे बहुत प्रेरणा दी जब मैंने आर्मी लाइफ में को स्टार्ट किया, बिकॉज डेफिनेटली जब आप भक्ति में आते हो तो स्टार्टिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम सबको होती है, कहीं भी आप जाओ. मैं ये नहीं कहूँ कि नहीं होती है. घर से मेरे को पूरा सपोर्ट मिला, पर बाहर का भी मुझे मालूम नहीं था. बट हर दिस स्टेटमेंट ना व्हाट अ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, पंच कहते ना एक ऐसा वर्ड क्योंकि हमेशा मुझे सपोर्ट करता रहा, पुश करता रहा. इट वॉज लाइक दैट. यस, आपने आर्मी पूछा था मैंने कैसे किया. So I'll tell you now. This is 2010 की बात है. My son he also gone to NDA for his studies, and daughter भी जा चुकी थी. She was pursuing dentistry. So मैं and मेरे husband ने केवल जाना था, right? And
फर्स्ट जनवरी 2010 को मैंने अपने मेंटर से रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग की पोस्टिंग आ गई है और हम लोग को जाना है, क्या जाने के पहले गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि माता जी फर्स्ट जनवरी गुरु महाराज बहुत बिजी है, बहुत मुश्किल है। सो आई वॉज लिटल डिसअपॉइंटेड। ईस्ट ऑफ कैलाश में कृष्णांगी माता जी थे, उनसे मैं थोड़ी उनसे बहुत गाइडेंस वगैरह लेती थी। तो व्हेन आई वेंट टू से बाय बाय टू हर आई बिकम वेरी सेंटिमेंटल और मैंने कहा कि माता जी अब मैं जा रही हूँ, अब राधा पातशाह के दर्शन मुझे नहीं हो पाएंगे। एंड लिटरली आई वॉज क्राइंग दैट टाइम। सो शी सेड भगवान को बोलो तुम्हारे, शी इज अ वेरी टॉल, शी इज वेरी टॉल लेडी, कहते भगवान को बोलो तुम्हारे साथ जाएंगे। एंड यू नो आई जस्ट टर्न एंड गौर नीता ने मुझे अपने ऑल्टर की तरफ खींचा था और मैंने बस ऐसे हाथ जोड़ा, हमने कहा कि आपको मुझे साथ चलना है, मेरे साथ चलना है, आप बस चलिए। आई जस्ट सेड दैट एंड आई केम आउट। नेक्स्ट डे 8 o'clock वॉज द शेड्यूल टू दैट वी हैड टू प्रोसीड एंड ऑल दैट, बट 8:20 पे हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, बाई रोड ही जाना था इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। प्रेम किशोर प्रभु जी का फोन आता जो हमारे मेंटर हैं कि माता जी आप लोग निकल गए क्या? हमने कहा कि नहीं भी बस निकलने वाले। तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट्स है, गुरु महाराज ने आपको टाइम दिया है, क्या आप आ सकते हो? हमने कहा कि 5 मिनट्स, हमने कहा प्रभु जी हम जहाँ से रहते थे ना धौला कुआं पे मंगला के लिए हम जाते थे मॉर्निंग में, 12 मिनट्स लगते थे एंड इट वॉज वीक डे। सो आई सेड कि 9:30 तक पहुँचेंगे, तो कहते आ जाओ कोई बात नहीं। उस दिन हमें केवल 14 मिनट्स लगा था पहुँचने। कहते हैं ना जब कृष्णा कॉलिंग होती है तो सारे सारी बाधाएं खुद ही खत्म हो जाती है। 14 मिनट्स ऑन वीक डे फ्रॉम धौला कुआं टू ईस्ट ऑफ कैलाश, इट वाज नॉट अ जोक। एंड वी रीच्ड एंड गुरु महाराज ने 5 मिनट के, उन्होंने 45 मिनट्स टाइम दिया था हमें। तो हम जगन्नाथपुरी गए थे एंड सत्यभामा जी के ऑल्टर में के जो पुजारी ने मेरे आंचल में एक शालिग्राम रख दिया था, आई वॉज होल्डिंग दैट शालिग्राम इन माई हैंड। And मैंने गुरु महाराज से कहा कि आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस, ही सेड मेक हिम स्लीप, आई डिडंट अंडरस्टैंड, ही सेड मेक हिम स्लीप, कीप इट इन अ ऑल्टर। और उन्होंने अपने सारे शालिग्राम से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि उस वक्त मेरे सर के ऊपर से निकल गया। बट गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नई जगह पे पहुंचे थे। एंड जैसे मैंने बताया जो हमारा मंथली लेडीज मीट होता है तो उसमें था कि थ्रू आउट द ईयर लोगों का ट्रांसफर होता है एंड ऑल दैट, तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन हम लोग को देना होता है। सो यू कम इन द फॉरवर्ड एंड लाइक नॉर्मल इंटरव्यू कि आई एम सो एंड सो एंड माय हस्बैंड हैज कम ऑन दिस चेयर एंड आई एम ब्लेस्ड विद अ डॉटर एंड अ सन। बट ये जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद आई डोंट नो हाउ इट केम फ्रॉम माई माइंड, आई एम अ स्ट्रगलिंग कृष्णा डिवोटी ट्राइंग टू स्ट्राइक बैलेंस इन माई स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ विद द हेल्प ऑफ टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। दैट आई डिडंट नो हाउ इट केम, but it came and even I myself was surprised. And होगा क्योंकि आपकी इच्छा थी कि आप कैसे वो जो माताजी ने आपसे कहा था what a wastage of life, आपकी इसके बाद से इच्छा थी कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो definitely भगवान ने आपका start करवाना था और वहाँ ignition दे दिया भगवान ने। He was always there with me. Guru and Gauranga is always there with me. So and what you are saying is right. मुश्किल था थोड़ा क्योंकि तो पर मैंने ना तिलक को अपना वेपन बनाया था। मैं जहाँ भी जाती थी मैं अपने तिलक के साथ जाती थी, एनी पार्टी ऑफिशियल एंड नॉर्मल तो था ही था, ऑफिशियल पार्टी में मैं तिलक के जाती थी एंड इट वॉज गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एक्चुअली। दोज पीपल डू आस्क व्हाट इज दिस तिलक, देन आई यूज्ड टू से इंट्रोड्यूस किया दिस इज कॉल्ड वैष्णो तिलक एंड देन नॉट भगवद्गीता पूरा बट लेकिन हाँ आई वॉज इंट्रोड्यूसिंग भगवद्गीता टू देम कि इस तरह करके। एंड दैट स्टेशन वॉज वेरी नाइस इन अ सेंस, प्रभु जी जिस पोस्ट पे गए थे तो उस वजह से मुझे थोड़ी मुझे थोड़ा हेल्प मिला था बहुत ज़्यादा उसमें। इन अ सेंस ही हैड गॉन टू सी विजिट, कभी इंस्पेक्शन पे कहीं गए थे तो वहाँ पे एक मंदिर था जो कि प्रॉपरली उन्होंने नहीं रखा था, तो ही वॉज वेरी यू नो ही वॉज नॉट हैप्पी और उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट द वे टू कीप द टेम्पल, आप मैं फिर से इंस्पेक्शन पे आऊँगा। तो उन लोगों ने वहाँ पे यज्ञ रखा था एंड ही कुडंट गो, आई वेंट टू दैट अटेंड दैट यज्ञ एंड ऑल दैट। सो इट वाज वहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी कुछ गीता के बारे में बोलने का। जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे मैंने पूछा था जब यज्ञ खत्म हो गया, कैन यू गिव मी 10 मिनट्स,
उसके पास बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। ही गेव मी 10 पेंसिल के मैम आप जितना टाइम लेना आप ले सकते हैं। हमने बट आई नो आई विल नॉट डिस्टर्ब योर शेड्यूल बट आई जस्ट टेक 10 मिनट्स एंड ऑल द सोल्जर्स एंड फैमिलीज वर देयर। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आप लोगों ने जो अभी यज्ञ किया किस मालूम है किसके लिए हमने यज्ञ किया था? तो यज्ञ पुरुष कौन है? नो आंसर। फिर मैंने पूछा आप लोग भगवद गीता जानते होंगे ना, भगवद गीता को तो जानते हैं, तो उसमें हाथ तो हो गया। हमने कहा भगवद गीता क्या बताती है उससे, भगवद गीता के बारे में आप क्या जानते हो? भगवान कृष्ण, ओके, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता बोली, किसको बोली? और देखिए देयर वाज नो आंसर फ्रॉम एनी मेल। आपका स्क्रीन रोटेट हो रहा है चुद्रुति जी। या जी, इज इट ऑल राइट नाउ? यस, इट्स ऑल राइट। सो हाँ, वहां पे मुझे तो मैंने उनको बताया तो देयर वाज वन लेडी, उसने कहा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जी लिटरली आई हैड टीयर्स की बैटल फील्ड में भगवद गीता बोली गई और हमारे मेन को नहीं मालूम है कि भगवद गीता किसने बोली, कहाँ बोली। तो वहां पे हमने फिर यस वहां पे मैंने प्रभुपाद के तो वहां पे हमने प्रभुपाद की जो चैंटिंग बॉक्स हुआ रखी थी और मैंने उनको बोला था कि मैं एवरी वंस इन अ मंथ यहाँ पे एवरी ट्यूसडे, एक्चुअली आर्मी में ना सारे धार्मिक स्थल होते हैं, मतलब कि पूजा मंदिर जरूर होता है एंड मंदिर अटेंड करना भी दिस अ परेड दैट इज ऑफिशियल। तो एवरी ट्यूसडे दे हाँ एवरी ट्यूसडे दे होल्ड अ फंक्शन, मतलब कि मंदिर परेड जिसको कहते हैं, फैमिली वगैरह आती थी। मैंने कहा वंस इन अ मंथ एवरी ट्यूसडे आई विल कम। एंड फिर मैंने वहाँ पे भगवद गीता रख पाई थी एंड मैंने पुजारी को बोला था कि आप ना इसको पढ़िए एंड ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो यहाँ पे मंदिर में आते हैं उनको इसके बारे में बताइए। तो आई वॉज यू नो ग्रूमिंग द पुजारी बिकॉज ही वॉज अ पर्सन करके, तो दैट वे लिटिल लिटिल या तो दिस वे। और कुछ और जहाँ तक ऑफिसर स्लॉट और हमारे फैमिलीज ऑफिसर फैमिली थी उनके बीच की बात है तो यस किसी ने कभी कभी तिलक को देख करके कुछ बोला तो मैंने मेरा आंसर बहुत ही फ्लैट हुआ करता था। हमने कहा व्हाट कैन आई कांट हेल्प इट, आई डोंट लाइक माय फेस विदाउट दिस तिलक, राइट? टू आस्क यू, मैं यही आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे आर्मी की पार्टीज जो हैं वो बहुत ही कॉमनली नोन है कि आर्मी की पार्टीज में सब ड्रिंक बहुत करते हैं, सब नॉन वेजिटेरियन बहुत रहता है, तो जनरली ये सारी एकदम हाई प्रोफाइल पार्टीज होती हैं, उस सब के बीच में आप एक भक्त के अटायर में तिलक के साथ जा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कृष्ण भक्ति के बारे में, तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या आपको कभी ऐसे ऑब्जेक्शन फील नहीं हुआ कि आपको किसी ने ऑब्जेक्ट किया हो कि आप ऐसे मत कीजिए ये सब? नहीं, आर्मी इज अ वेरी पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन इन अ सेंस, मतलब कि दे डोंट बहुत ज्यादा ओपनली आप बिकॉज धर्म मतलब कि मंदिर वगैरह तो हुआ करता है ना, मंदिर परेड भी, तो हाउ कैन पीपल विल ऑब्जेक्ट, यू नो इट्स, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पार्टीज वगैरह जो आप बोल रहे हो, लीकर वगैरह है, वो सब तो है, तो इसके लिए ना अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। अगर आप देखो आर्मी लाइफ इट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर कृष्णा कॉन्शियस इफ समवन वांट्स, बिकॉज पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है। हाँ, पूरा प्लेटफॉर्म है बिकॉज आपको बाय फोर्स जैसे मैंने मंदिर परेड होता था ना, तो उस मंदिर परेड में जो लोग आए थे दे हैड नो ऑप्शन बट टू लिसन मी जब मैं बात कर रही थी, तो यू नो सो प्लेटफॉर्म वॉज प्लेटफॉर्म इज देयर, you have to right. you know you have to take the opportunity, you have to grab the opportunity, so right is karke maine aise karti thi. And aap to jo liquor ki baat karte ho to jaise hamare yahan na normally dinner ka concept hota tha because usme ha liquor vegas to lete hain log, but humne kya kiya because hum liquor nahi serve karte to humne logo ko lunch pe bulana shuru kiya and lunch pe jo beer vegas lete the to usko humne substitute kiya fresh juice se, तो हेल्थ कॉन्शियस पीपल होते तो इसलिए ऑब्जेक्शन की तो कोई बात ही नहीं थी जी। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटी, उसको आपको अकॉर्डिंगली अपने उसे मोल्ड करना था। एंड वन थिंग, जब जैसे हम प्रसाद के लिए लोगों को बुलाते थे ना, तो मेरा एक भाव ये होता था कि आके जिसका प्रसाद ये खा रहे उनके दर्शन तो कर लें, यू नो। सो आई तो मैं उनसे पूछा करती थी वुड यू लाइक टू मीट माई लॉर्ड। सो इंडिया में तो कोई नो नहीं बोलेगा, भगवान का नाम लोगे तो कोई मना नहीं करेगा।
तो लेडीज यूज टू कम, लेडीज यूज टू कम इन द ऑल्टर रूम एंड ऑफिसर्स एक दो कोई अपना आ जाते थे, सारे नहीं आते थे बिकॉज वो शूज खोल करके अंदर आना उनको थोड़ा कंबर्शन लगता होगा, प्रोबेबली दैट दैट कुड बी द रीजन, या बट दे यूज टू पीप एंड दैट इज अनदर रीजन यू नो. राइट, अ सेपरेट रूम फॉर भगवान जी इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, आर्मी में तो नहीं था ये, बिकॉज अपनी थ्रू आउट आर्मी लाइफ में मैंने किसी भी घर में, किसी के घर में नहीं देखा ये चीज. तो पीपल वर एंथुसियास्टिक कि ओके एक ऑल्टर रूम भगवान का रूम भी होता है करके ना, सो दैट वाज अनदर अट्रैक्शन. एंड पार्टीज वगैरह अटेंड करते थे लोग, मेरे प्लेट देखते थे मैं क्या खा रही हूँ, बिकॉज दे यूज टू सी कि विदाउट अनियन गार्लिक फूड है. तो बट ऐसा कुछ नहीं था, प्रभु जी का जो पोस्ट था उस पर जैसे आप किसी को इन्वाइट करते हो, हाँ जब आप इनवाइट करते हो तो उनका फूड हैबिट्स वगैरह तो थोड़ा केटर करते हैं ना हम लोग उनके चॉइस का. तो हमारी पार्टीज में होता था कि वेजिटेरियन भी होता था, नॉन वेजिटेरियन भी होता था, और अगर कोई फास्ट करता है तो दे यूज टू कीप फ्रूट्स आल्सो. अच्छा, बिकॉज हाँ हम बता देते थे कि भाई हम हमारा आज फास्ट है तो दे केटर फ्रूट्स आल्सो. सो दैट वे आर्मी इज वेरी यू नो होमली हमारा एटमोसफेयर होता है. राइट. तो एक लास्ट क्वेश्चन अच्युत भक्ति जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. उससे पहले मैं अपने दर्शकों से कहूंगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में डालना शुरू कीजिए, तभी आप अच्युत भक्ति जी से जो भी आपका क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं. और कृपया करके एक ही क्वेश्चन को बार बार मत डालिएगा, अदरवाइज वो लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो अच्युत भक्ति जी एक लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले दर्शकों के क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी आप जैसे आर्मी एरिया में प्रीचिंग कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, तो अभी आप कितने लोगों को प्रचार कर रही हैं और आपको ये सक्सेस कैसे मिला और उसके बारे में हमें कुछ ब्रीफली बताइए. नहीं अभी तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग रिटायर हो चुके हैं, तो अभी जस्ट हम लोग रिटायर में पास वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग नाउ. बट लेकिन हाँ आर्मी में हम हमने जो प्रचार किया ऐसा कोई ओपन प्रचार नहीं था जैसे हम लोग मंदिर में अपने लोगों को बुलाते हैं. इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज वन टू वन. अच्छा. एंड हाँ इट वॉज वन टू वन, बट इन एवरी स्टेशन वी वर इंट्रोड्यूसिंग वन थिंग. लाइक फर्स्ट स्टेशन में हमने इस्कॉन को जो पार्टीज में हम लोग को बताते थे कि for ISKCON for me is an institute not a temple. अच्छा. So yeah, and second station जो हमारा था वहाँ पे हमने प्रशादम को glorify किया. We switch over you know कि lunch भी बुलाते थे and all that. And जब आप प्रशाद के लिए उनको लेकर के जाते थे तो vegetarian food के advantage को आप बताना शुरू करो. तो that was also very catchy in a sense. मैं उनको बोलती थी कि you know without कोई भी आप अगर किसी को खाने पे बुलाते तो वो प्रेज तो करता है कि द फूड वाज वेरी टेस्टी एंड ऑल दैट, नो तो ग्लोरीफाई तो करते. तो मैंने कहा कि ये तो ग्लोरीफाई तो करेंगे प्रसाद को, तो इनको थोड़ी स्वीकृति मिल जाए. तो मैं इनको बताती थी कि ये विद इट इज फास्ट टू कुक बिकॉज देयर इज नो अनियन गार्लिक. कहते विदाउट अनियन गार्लिक फूड कैन बी सो टेस्टी यू नो. इस तरह के कमेंट्स जो आते थे तो इट वॉज वेरी एनकरेजिंग फॉर मी एक्चुअली. एंड ऑफकोर्स कम लगता है अनियन डालो तो कम ऑयल लगता है, दैट इज हेल्थ, दे आर जनरली हेल्थ कॉन्शियस पीपल एंड ऑल दैट. तो इस या इस तरह करके मतलब कि मुझे हमेशा मतलब कि एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता था कि उसमें मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती थी और धीरे धीरे हम ये हाँ. और जहाँ की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके आर्मी में भी अवेयरनेस आ गया. अच्छा तो भक्ति जी आपकी आवाज बीच में थोड़ा कट गई थी, आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ अभी में ऐसे एज अ ओपन जैसे हम लोग टेम्पल में करते हैं उस टाइप का तो प्रीचिंग नहीं होता है. इट वाज ऑलवेज वन टू वन प्रीचिंग. जैसे अगर आप डाइनिंग टेबल बिल्कुल लास्ट का पोर्शन थोड़ा कट गया था, मतलब रिपीट. यस यस ओके. तो जैसे आप जहाँ बैठे हो तो अपने आपके बगल में जो है उससे आप बात कर सकते हो. ऑब्वियसली ही वे लास्ट में कि अच्छा आप तो एकादशी है मेरा तो मैं अपना प्लेट को टर्न करके रख देती थी, बट आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस. मैं वहाँ बैठती थी एंड सच अपॉर्चुनिटी आई यूज्ड टू ग्रैब एक्चुअली टू ग्लोरीफाई दिस थिंग. और एंड दैट बिकम माय यू नो हैबिट, ये मतलब कि हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो गया था. बिकॉज इफ यू आर इन अ कृष्णा कॉन्शियसनेस आप बात करते भी लोगों से तो आपके मुंह से वही सारी चीजें निकलती है. सो इट वाज हेल्पिंग मी. वाओ. तो दर्शकों हमने जाना अच्युत भक्ति जी की लाइफ के बारे में कि वो उन्होंने किस तरीके से, कितना इंटरेस्टिंग इनका तरीका था भक्ति में आने का.
तो अभी हम लेना शुरू करते हैं हमारे दर्शकों के क्वेश्चंस अच्युत भक्ति जी के लिए। तो वेट अ मिनट, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन आ रहा है सेलिनेटर बर्डी जी की तरफ से। ये कहती हैं, अगर फैमिली इतनी सपोर्टिव ना हो तो क्या करना चाहिए? लाइक कहते हैं रीडिंग गीता इज ओके, टेम्पल विजिट्स आर ओके, लेकिन ये सब ज्यादा मत करना, तो तब क्या करें? तो अच्युत भक्ति जी, ये शायद बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। तो सब जैसे डरते हैं कि कुछ भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कि गीता पढ़ लिया ठीक है, मंदिर गए ठीक है, पर ये सब चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कहते हैं तड़का ऊपर से दे दिया दाल का, उतना तक ठीक है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर फैमिली ऐसे सपोर्टिव ना हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक तो हम कृष्णा से प्रे कर सकते हैं। एंड कुछ कुछ गर्ल्स मेरे साथ थी जिनको मैंने प्रीच किया था, उनके साथ ये प्रॉब्लम था। तो वो लोग कहते थे कि हम लोग ना चित करके चैंटिंग करते हैं एंड बात करते हैं और क्लास से जाते भी हैं, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता था। बट जब आप जो चीज़ खुशी दे रही है, माफ कीजिएगा अच्युत भक्ति जी, आपकी आवाज अभी कट गई थी जब हाँ आपने बोला कि गर्ल्स के बारे में आपने बताया कि क्लास में हाँ जाते हैं, इसके बाद आवाज कट गया था। हाँ तो ये कि इसके बाद मैंने इसलिए शायद ये बोला था कि वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं ओपनली। और क्योंकि हम लोग इंडिया भारत में हैं, तो भारत में मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स बहुत ऑब्जेक्ट करता होगा। और अगर एक फियर होता है पेरेंट्स को कि अगर ये भक्ति में चली जाएगी तो इसके लिए मुझे लड़का ढूंढने में परेशानी होगी, मतलब कि कुछ फियर्स होते हैं जिसके वजह से ऑब्जेक्शन होता है। तो जी अगर हम ओपनली बात करेंगे तो शायद हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। और जी अगर वो जैसे टेम्पल रेगुलर, अगर आप टेम्पल रेगुलरली जाते हो एंड ऑल दैट, तो आप ये कर सकते हो कि किस जो जिसके भी कांटेक्ट में आपसे हो, आप उनको कभी उनसे मिलवा दो। जी जी तो इस तरह का मतलब कि रास्ता निकाला जा सकता है। अगर आप खोजोगे तो रास्ता भगवान मदद करते हैं। वो भगवान तो कहते भी ना, दामी बुद्धि योगमते माम ते उपंदिते। तो अगर आप दिल है अंदर, डिजायर है तो एंड सिंसियर प्रेयर है तो भगवान सुनते हैं। बिल्कुल आप मिला सकते हैं आप अपने पेरेंट से किसी भी डिवोटी को। जी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है स्वर्णेंदु साहद जी की तरफ से। ये कहते हैं भक्ति करते करते जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब उस कॉन्फिडेंस के आड़ में माइंड कभी गलत काम करने का भी प्रेरणा देता है, इस डाउनफॉल से कैसे बचें? तो अच्युत भक्ति जी, स्वर्णेंदु जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कभी कभी लगता है कि अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं और कुछ गलत करेंगे तो शायद उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसी सोच से और ऐसी भक्ति में जिसे कहते हैं फॉल डाउन से कैसे बचा जाए? भक्ति में फॉल डाउन तो शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जहाँ भक्ति रुकती है उससे आगे बढ़ती है। हाँ ये जरूर है कि फॉल डाउन मतलब कि आपका हरे नाम के प्रति टेस्ट वगैरह कम हो जाता है। तो अगर हरे नाम के प्रति टेस्ट कम हो रहा है तो उसका उपाय भी हरे नाम करना ही है। हरे नाम से ही फिर आप उसको रिवाइव भी कर सकते हो। तो डाउनफॉल जैसा ऐसा कुछ नहीं होता भक्ति में। और जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको लगता है कि इसके वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, तो आप उस वहाँ से हटिए, उस चीज़ को अपने लाइफ से थोड़ा हटाने की कोशिश करिए। आप लाइक माइंडेड पीपल से मिलिए जो भक्ति कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वाह, तो अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आ रहा है अमित सिंह जी की तरफ से। ये कहते हैं इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर जूनियर ऑफिसर्स टू फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस इन आर्मी बिकॉज सीनियर इज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ कैन ही प्रैक्टिस इट? तो ये भी शायद आर्मी में ही होंगे अच्युत भक्ति जी, अमित जी ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जैसे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे आपके हस्बैंड जो हैं वो एक सीनियर पोजीशन पे थे, इसलिए आपके लिए भक्ति करना, उसके बारे में ओपनली बात करना इजी था, बट जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको भक्ति में सब चीज़ें करना शायद मुश्किल होता होगा क्योंकि सीनियर नहीं है उनके भक्ति में। तो ऐसे सिचुएशन में ये जूनियर ऑफिसर्स कैसे भक्ति को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। एंड
मैं ये आपको बताऊंगी कि भक्ति हमारी पर्सनल चीज है, ठीक है, उसको उतना ओपनली करने का जरूरत नहीं है। मैंने भी, हम लोग भी इतने जगह गए थे, हर स्टेशन में हम लोग, बहुत बहुत स्लो हमारा प्रोग्रेस था। एक में जैसे मैंने इस्कॉन को इंट्रोड्यूस किया था, सेकंड में हमने प्रसादम को ग्लोरीफाई किया था, एंड थर्ड स्टेशन मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह आएंगे तो उसमें मैं बता दूंगी। तो ग्रेजुअली धीरे 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 करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी टेम्पल को फॉलो कर रहे हो और टेम्पल में अगर लोग बोलते हैं कि भक्ति में मतलब ये करना है, वो करना है, वो करना है, नो। अभी बहुत जगह हमारे जो सेंटर्स चल रहे हैं, आर्मी के अंदर ही 8-10 जगह हम लोगों के सेंटर्स मतलब कि ग्रुप है, उसमें हम लोग सिर्फ दो चीज करते हैं। एक तो हरि नाम जपा के ऊपर ज्यादा इम्फेसिस है, एंड भगवत गीता रीडिंग के इम्फेसिस है। फेस्टिवल वगैरह हम लोग ओपनली नहीं सेलिब्रेट करते, क्योंकि हमारे आर्मी में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट खुद ही होते हैं, एंड वो एक दिन पहले होते हैं। तो रास्ता अगर आप निकालेंगे तो कुछ टाइम आपको अपने अपने को उसके लिए निकालना पड़ेगा। और ये कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत प्रचार करें कि हाँ जी हम भक्ति में, आप क्वाइटली कीजिए, बिकॉज हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि यू हैव टू मूव वेरी स्लोली। तो हम लोगों ने वो हमने ये किया हुआ था, बिकॉज सी अगर आर्मी में आपको प्रचार करना है, आप आर्मी से अगर बैकफायर नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर आप अगर इतना ओपनली करोगे तो आपको आपको ऑब्जेक्शन लोग डाल सकते हैं, तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा ना वहाँ पे। तो क्वाइटली धीरे 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 हमें मूव करना चाहिए उसमें। और हमारे गुरु महाराज का ये इंस्ट्रक्शन था, हम लोगों ने उसको ऐसे ही किया था। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आप बढ़ते रहिए, ऐसा कुछ जरूर आपको कृष्णा हेल्प करेंगे। तो अमित जी, जैसा कि अच्युत भक्ति जी ने बताया कि भक्ति जो है वो बहुत ही पर्सनल थिंग है, कि एकदम पर्सनल रिलेशनशिप है, एक आप है और एक भगवान है, आपस में पर्सनल रिलेशनशिप है। इसे अगर हम ज्यादा ओपन नहीं करेंगे टिल द टाइम हमें लगता है कि हम थोड़ा आपस में इधर उधर बात कर सकते हैं, तब तक उसे पर्सनली रखें तो ही अच्छा है। और क्योंकि आपका जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आ रहा है अजय राज शर्मा जी की तरफ से। ये पूछना चाह रहे हैं, व्हाई सो मच सफरिंग एंड प्रॉब्लम्स व्हेन कृष्णा इज द कंट्रोलर? वन मे से दैट इट इज ड्यू टू डीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओनली, बट इवेंचुअली एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय गॉड। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अच्युत भक्ति जी, अजय राज जी का आपके लिए। ये पूछना चाह रहे हैं कि जब भगवान कंट्रोलर है, हमने मान लिया कि भगवान कंट्रोलर है, फिर इतनी प्रॉब्लम्स और इतने दुख क्यों आते हैं? लोग कहते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स, जैसे अगर हम कोरोना का एग्जाम्पल ले लें, कि ये सारी ये प्रॉब्लम जो है ये ह्यूमन बीइंग्स का खुद का बनाया हुआ है, बट अल्टीमेटली तो भगवान ही देख रहे हैं ना, वो देखते होंगे कि हाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम सब उनके बच्चे ही तो हैं, इतना प्रॉब्लम्स क्यों होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यस, भगवान कंट्रोलर हैं एंड वो कंट्रोल करते हैं सारी चीज। अगर ये कोरोना का जैसा एग्जांपल आपने दिया, सफरिंग वगैरह है, तो ये हमारे खुद के कर्मज हैं। एंड है ना, जैसे अगर बच्चा बात नहीं सुनता है तो थोड़ा पनिशमेंट उसको देना पड़ता है ठीक रास्ते पर आने के लिए जी। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि, और जहां तक भगवान कंट्रोल कर रहे हैं तो सफरिंग क्यों आए, शास्त्रों में बहुत जगह हम लोगों ने देखा है, शास्त्रों के बहुत हमारे पास एग्जाम्पल है, सॉरी, शास्त्रों से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमने देखा है कि हम अपनी कोशिश करते हैं, हम कुछ रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट हमें कुछ और मिलता है जी। और ये जो रिजल्ट हमें मिलता है उसमें हमें खुद पता चल जाता है कि हमारी एबिलिटी तो थी नहीं, तो कोई तो गवर्न कर रहा है। आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर के चलते हो तो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको कि आपने आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है, पर ये कोई हमेशा जरूरी नहीं है कि जो डिजायर रिजल्ट है आपको मिले। ये जो रिजल्ट जो आपको मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिजल्ट मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ your previous karma also, because there's certain lesson you have to learn. So suffering हमारे life में हमें कुछ lesson सिखाने के लिए आती है, तो हमें इसे positively लेना चाहिए। जी,
तो अजय राज जी, जैसा कि अच्युत भक्ति जी ने बताया कि जो भी सफरिंग्स आ रही हैं, डेफिनेटली भगवान कंट्रोलर है, बट हमारे अपने कर्म जो हम करते हैं उनके भी फल हमें मिलेंगे ही। उन चीज को भगवान उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि वो हमने किया है तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए इतना सफरिंग्स और इतनी प्रॉब्लम्स जो है इस भौतिक संसार में आती रहती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है दिव्यांश कुमार जी की तरफ से। ये कहते हैं, मैं कृष्ण भक्ति के बारे में और जानकर उनके चरण सेवा करना चाहती हूँ। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, बट मेरे पास विग्रह भी है एंड मैं अब स्पिरिचुअल होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी माइंड से काफी अपसेट हो चुकी हूँ। प्लीज हेल्प मी आउट। तो ये दिव्यांश कुमार जी के अकाउंट से कोई लेडी है, ये कहते हैं कि इनके पास भगवान के शिव विग्रह विग्रह भी है और ये भगवान की सेवा करना चाहती हैं, उनके चरणों में सेवा करना चाहती हैं। तो इनको इस सब का इतना नॉलेज नहीं है, तो लाइफ से इतना परेशान होने के बाद ही भगवान के चरणों में सेवा करना चाहती हैं। तो अच्युत भक्ति जी, इनको क्या करना चाहिए, इनको थोड़ा गाइडेंस दीजिए। आप किसी डिवोटी के कॉन्टेक्ट में आइए। अगर आपके पास कोई मंदिर है, कौन मंदिर है, तो बहुत आपको संघ की जरूरत है, और जो कि आपके आप जो चरणों की सेवा करनी चाहते हैं तो आपको गाइडेंस मिलेगा उनसे। तो आपको भक्त के साथ भक्त के संघ की जरूरत है एक्चुअली। जी, तो दिव्यांश कुमार जी के अकाउंट से जो भी मैसेज कर रही हैं, मैं इनको एक छोटा सा टिप मैं भी दूंगी कि आप हरे कृष्ण टीवी आप देख ही रही हैं और इस पे अच्युत भक्ति जी जैसे और भक्त आते रहते हैं, तो आप उनका भी संग ले सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, आपके पास संग अवेलेबल है ऑनलाइन, जैसे अभी कोरोना टाइम में तो स्पेशली ऑनलाइन इतना भक्तों का प्रचार बढ़ा है, तो आप हरे कृष्णा टीवी के थ्रू भक्तों से मिल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपनी भक्ति में आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है हीरा लाल जी की तरफ से। ये कहते हैं, मैं 50 साल का हो गया हूँ, संतान कोई नहीं हुई और मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ और पति पत्नी चिंतित रहते हैं हम दोनों, हमें क्या करना चाहिए, हमें भी कोई उपाय बताएं, हरे कृष्णा। तो हीरा लाल जी आपसे ये पूछना चाहते हैं अच्युत भक्ति जी कि ये 50 साल के हैं और इनकी कोई संतान नहीं है, भक्ति में ये जुड़ गए हैं, बट थोड़ा जो ये और इनकी वाइफ हैं, ये दोनों थोड़ा चिंतित रहते हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए, इनको थोड़ा गाइडेंस दीजिए। हीरा लाल जी, आप वानप्रस्थ लाइफ की तरफ एंटर कर में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, और चूंकि आपके बच्चे नहीं हैं तो आपके पास तो बहुत अच्छा वक्त है और बहुत है, समय की कमी नहीं है, और बहुत अच्छा मतलब इसको आप अपॉर्चुनिटी कीजिए कि आपको इतना टाइम मिल रहा है और आप भक्ति में भगवान के हरि नाम में लग अपने आप को लगा सकते हो, जो कि आपने लगाया हुआ है। और चिंतित होने की आपकी चिंता का कारण क्या है, ये आपने क्लियर नहीं किया है। बिकॉज अगर हेल्थ इश्यू है तो आप अपने हेल्थ को देखते हुए भक्ति कीजिए। एंड वानप्रस्थ में तो मतलब कि कहते हैं कि थोड़ा आप धाम वाम जाइए तो आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। ये कोरोना का टाइम जरूर है, आप अभी आप नहीं कर सकते, तो जैसा कि अभी ऋचा जी ने बताया कि भक्ति के बहुत सारे लिम्ब हैं, आप लेक्चर वगैरह भी सुन सकते हैं, ये सभी कर सकते हैं। और हरी कथा तो बहुत ही लुभाव मतलब कि बहुत ही सूदिंग होती है। आप ऑनलाइन मेरे ख्याल से आप क्लास वगैरह अटेंड करिए तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी चिंता उससे खत्म हो सकती होगी जरूर। वाओ, तो हीरा लाल जी, जैसा कि अच्युत भक्ति जी ने बताया कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, अभी आप हैं, आपकी वाइफ है, तो आप दोनों अच्छे से भक्ति में लगिए, हरे कृष्णा टीवी पे भक्तों से लेक्चर सुनिए। आप मंदिर अगर खुल गए हैं आपके पास, तो उनके वहां जाके आप लेक्चर सुन सकते हैं, भक्ति में और ज्यादा आप जिसे कहते हैं कि इंटेंस भक्ति कर सकते हैं और सीरियस हो सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है निशा मिश्रा जी की तरफ से। तो ये पूछना चाहती है, कैन यू शेयर एनी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन माता जी। ये आपसे पूछना चाह रही है कि आप अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसा कि आपने बीच में बताया था कि आपका एक है जो कि बहुत ही भगवान ने आपको एक फीलिंग दिलाया था, उसके बारे में अगर आप बता देंगे तो वो
हमारा लिंक भी हो जाएगा, थोड़ा ब्रीफली भी बता दें। वो तो ठीक है. इनका सेकंड क्वेश्चन भी एक है कि व्हाट कन्विंस्ड यू ओके. ऑफ कृष्णाज एग्जिस्टेंस। व्हाट डेफिनेटली वो कन्विंस? एक यू ऑफ कृष्णाज एग्जिस्टेंस, आपको भगवान एग्जिस्ट करते हैं इस चीज के बारे में कन्विक्शन कैसे आया? यस, आई विल गिव यू वन एग्जांपल जो कि अपने रियलाइजेशन में शेयर करूंगी आपके साथ. कृष्णा कॉन्शियस आने के बाद जो मैं फर्स्ट स्टेशन हम लोग जो जो गए थे, उसके बाद हमारे बहुत सारे स्टेशन हम लोग शिफ्ट किए थे. हर स्टेशन में हमने कुछ कुछ नया नया आयाम एक्सप्लोर किया था. तो वहाँ पे हमारे इसमें एक आर्मी में की होता है कि स्टेशन, पूरे स्टेशन के लिए एक प्रोग्राम वगैरह होते हैं, और ये हमारे फॉर्मेशन को प्रोग्राम आया था जो कि बहुत शॉर्ट टाइम था. अदिचा यू कैन हेल्प मी आउट, वो अप्रैल में वैशाखी करके कोई त्योहार होता है आपका, वैशाख, हाँ जी, हाँ वैशाख करके कोई त्योहार, पंजाब वैशाखी में। वैशाखी है पंजाब में, पंजाब में, क्योंकि आप चंडीगढ़, इसलिए मैंने कहा कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा था. तो उसके एवज में हमें पूरे स्टेशन के लिए एक प्रोग्राम करना था, एंड बहुत शॉर्ट टाइम था. फ्राइडे को हमें बताया था और वेडनेसडे को प्रोग्राम होना था. सो सैटरडे को हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया था, 2 दिन को टाइम दिया था, एंड वी वर नॉट हैप्पी विद द प्रिपरेशन. ठीक है. और फिर हम लोगों ने सारा कुछ चेंज किया था, और प्रभु जी अपने ऑफिशियल काम से कुछ चले गए, तो उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया था. तो वहां पे ये हुआ था कि हम जो हाउस प्रोग्राम करते थे ना, उसमें कुछ जो लोग आते थे, तो मेरे साथ जो हमारे जो कुलीग थे, उसमें जो सेकंड इन कमांड, तो मैंने कहा कि अगर मैं जाकर देखने जाऊंगी तो प्रोटोकॉल की वजह से और टाइम किल होगा, तो मैंने उसको भेजा था. तो उसने मुझे फीडबैक दिया कि प्रिपरेशन तो ठीक हो गया, लेकिन अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है. एंड इट वाज दैट वाज लंच टाइम. मैंने कहा कि जस्ट टेल देम. और उसने एक चीज और ऐड किया था कि अम्ब्रेला लेकर के हम लोग काम करें, गर्मी इतनी थी. मैंने कहा केवल वर्किंग फोर्स वाले वहां रहेंगे, और ऑल द आर्टिस्ट दे शुड गो बैक होम. वो कहती कैसे होगा. हमने कहा कि एंशियंट शी वाज कमिंग फॉर द हाउस प्रोग्राम, तो मैंने कहा नहीं, हमें अपने गौरनिताई के ऊपर बैंक करना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है. इट वॉज यू नो लाइक जैसे वॉर में होता है ना, तो हम लोग उसी लैंग्वेज में कभी कभी बात भी करते हैं घर में भी, कि हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमें बैंक करना पड़ेगा उनके ऊपर. और शाम को नॉर्मली हम पार्टीज में जाते थे, तो मैं अपने जीजी को सुला करके जाती थी, और अगर मैं सुला नहीं पाती थी तो नॉर्मली मैं सुला के जाती थी, क्योंकि हमारी पार्टी थोड़ी लेट हो जाती थी, तो उनका बहुत टाइम हो जाता था. तो 8 o'clock में उनको थोड़ा अर्ली सुला देती थी, 8 o'clock के ऑनवर्ड से ही पार्टी होती है. उस दिन मैं भूल गई, बिकॉज प्रभु जी ने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी थी, एंड आई वॉज लिटिल नर्वस, तो मैं भूल गई उनको सुलाना. और जब मैं वहां पहुंची तो मैंने कहा कि अरे गौरीता को तो सुलाया ही नहीं. तो मैंने सोचा कि ओके 9:30 पे मैं उनको उनको रिक्वेस्ट कर दूंगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि डिवाइन वो, इसलिए मैं ये इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ. जी सो व्हेन द प्रोग्राम वाज गोइंग ऑन, इट वाज फ्लॉलेस. आई वाज एडमायरिंग द यू नो द फ्लो ऑफ द इवेंट, एंड दैट टाइम अ इनर वॉइस, आर यू हैप्पी नाउ, इट केम फ्रॉम इनसाइड यू नो परमात्मा जो हमारे चेत गुरु हमसे पूछ रहे हैं. आई हैड टीयर्स इन माय आईज, एंड द चीफ गेस्ट, ही वाज द हेड ऑफ द फैम स्टेशन जो थी, शी ऑल्सो यूज टू कम फॉर दैट हाउस प्रोग्राम में. शी कुड अंडरस्टैंड किस तरह कुछ हुआ है, कहती है, एंड शी जस्ट अपने मेरे हाथ के ऊपर उसने हाथ रखा. सो एंड शी कुड अंडरस्टैंड. सो मैं वही कह रही थी कि हम भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, अगर हम सिंसियर हैं, जेन्यून है, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं. वी हैव टू हैव दैट मच फेथ. आई थिंक आपके दोनों क्वेश्चन इसमें आंसर हो गए मेरे. बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना सुंदर आपने ये बताया जो निशा जी, आपने थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा जो हमें ये इतनी सुंदर पास टाइम के बारे में सुनने को मिला कि कैसे भगवान ने अच्युत भक्ति जी के साथ रेसिप्रोकेट किया और उनको अपने होने का एक और पक्का प्रमाण दे दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि आ रहा है हेमा बत्ती परीक, हेमा बती जी की तरफ से। ये पूछना चाहते हैं भगवान जी ने किस कार्य के लिए मुझे जन्म दिया है, मार्ग ढूंढ रही हूँ कैसे मिलेगा मुझे। तो ये जैसा आपको भी अपने यंग डेज में आपको एक था कि मैं कौन हूँ,
मुझे भगवान के, मतलब ये सारी आपके जैसे जो इच्छाएं, जानने की इच्छा होती थी, वैसा ही ये हेमावती जी पूछना चाह रही है कि मेरा इस धरती पे जन्म लेने का कारण क्या है, मैं कैसे एक सही रास्ता ढूंढ सकती हूँ, इसके बारे में इनको कुछ गाइडेंस चाहिए। यस, यू हैव टू प्रे, वाओ, भगवान से सिंसियर प्रेयर करने की जरूरत है, क्योंकि जब मैं कृष्णा कॉन्शियस में आई थी तो ये भगवत गीता मैंने चूंकि पूरा पढ़ा था, तो उसमें था कि गुरु 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 तो लेना होता है, गुरु के बगैर गति नहीं है। श्री कृष्ण भगवान हैं और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और मैं तो कहती मैं मेरे मेरे घर में मैं उन्हीं की सेवा करती हूँ, तो आपको उनसे ही प्रे करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि ब्रह्मांड बनित वे कोई कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, कि गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। ये आपको प्रे उनसे करना पड़ेगा, मैंने प्रेयर की थी और मुझे गुरु मिले थे, तो प्रेयर इज द ओनली आंसर फॉर दिस। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। जैसा कि इन्होंने बताया अच्युत भक्ति जी ने कि आप बस प्रे कीजिए, हिमावती जी कि आप प्रे करेंगे तो भगवान आपकी वो प्रेयर सुन के आपको एक गुरु का रास्ता जरूर देंगे और गुरु आपको भगवान के पास लेके ही चले जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आ रहा है अर्जुन रवानी जी की तरफ से। ये पूछते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप करते समय मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, कभी कभी तो रोने लगते हैं, मन को संतुलन में कैसे बनाए रखें। तो अच्युत भक्ति जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि भगवान का नाम जब हम करते हैं तब उस टाइम पे माइंड का जो डिस्ट्रैक्ट होना बहुत नॉर्मल सी बात है, तो ये बहुत ज्यादा जब विचलित हो जाता है तो एकदम ऐसे हताश हो जाते हैं अर्जुन जी की कैसे मन को कंट्रोल करूं, मेरा मन में भगवान की तरफ मन नहीं लग रहा है, तो ये ऐसा सोचते हुए ये कभी कभी रोने लगते हैं, तो इनकी कुछ हेल्प कीजिए, इनको कुछ गाइडेंस दीजिए। अर्जुन जी, आप किस टाइम पे जब करते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप मॉर्निंग मॉर्निंग के टाइम में करेंगे, और दूसरा है कि आपको अगर जैसे आप अपने ऑल्टर रूम में कर दिए, या तुलसी महारानी है उनके पास बैठ करके जब करिए, या और अगर संग आप पा सकते हैं, अगर किसी डिवोटी के संग आप पा सकते हैं तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब जब करते हैं डिस्ट्रैक्शन होता है शुरू में, मतलब कि हम लोगों ने सबने सारे डिवोटी का ये एक्सपीरियंस, और आज भी ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारे लाइफ में इतने सारे डिस्टर्बेंस हैं तो जब आप जब करने बैठे तो माइंड वेवर करता है, माइंड इधर उधर जाता है, हमें उसको फोकस करना पड़ेगा। और करने के जैसे हम लोग मंदिर में सारे इकट्ठे बैठ करके करते हैं, आप अपने ऑल्टर रूम में कर सकते हैं, आप तुलसी अगर आपके घर में तुलसी उनके पास बैठ के कर सकते हैं, और कुछ ही तो महामंत्र एक जगह लिख करके आप उसके ऊपर फोकस करिए, जैसे आप उसको अपने सामने रखिए और आप जब कीजिए, और टाइम बनाइए कि नहीं मैं इतना, अपना डिटर्मिनेशन आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा कि मैं इतना करूँगा ही करूँगा, तो आप ये एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा, बिना एफर्ट के कोई चीज़ आसानी से तो मिलता नहीं है, हर मटेरियल और स्पिरिचुअल हर चीज के लिए एफर्ट तो लगाना पड़ता है। आप एफर्ट लगाइए, भगवान ने खुद ही कहा है कि आप एक कदम बढ़ाओ मैं 10 कदम आगे बढ़ करके आपकी मदद कर, तो आपको पक्का सपोर्ट मिलेगा जी। और जैसे कि एक कबीर जी का दोहा है, मैं इस दोहे की एकदम फैन हूँ, ये इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि कबीर जी का ये दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजानी, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर जैसे कहते हैं कि चैंट करेंगे, जो सल्यूशन है और जो प्रोसेस है, जो हमारा गोल है और जो प्रोसेस है, वो दोनों सेम है, अगर हम चैंटिंग करते रहेंगे तभी हम अच्छी चैंटिंग कर पाएंगे। तो अभी हम चलेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है पूजा रंजीत जी की तरफ से। ये पूछती है, मुझे भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है, आप एक उपाय मुझे बताइए जिससे कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। तो अच्युत भक्ति जी, पूजा जी आपसे ये पूछना चाहती हैं कि इनको भक्ति में इंटरेस्ट आ रहा है, इनको भक्ति में वो रस का अनुभव हो रहा है, तो वो ऐसा क्या करें कि भक्ति में वो और आगे बढ़ती ही जाए।
पूजा जी, आपको भक्ति के बहुत सारे लिप्स होते हैं, आपको हरिनाम लेने में अच्छा लगता है या फिलॉसफी आपको अपील करती है, ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर, और आपको आपको जो भी चीज अपील करता है आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। वाह, कितना सिंपली आपने इतना अच्छा आंसर दिया अच्युत भक्ति जी, कि जो चीज पूजा जी को पसंद है, कीर्तन करना, भगवान के लिए भोग बनाना या जप करना, लोगों को भगवान के बारे में बताना, जो भी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं भक्ति की तरफ, वो चीजें आप करिए, आपका और भक्ति में आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। भक्ति करना कितना सिंपल है ना अच्युत भक्ति जी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है जी, एक मिनट, शीतल सिंह जी की तरफ से। ये कहते हैं, क्या भगवान की भक्ति करने से राष्ट्र भक्ति में कमी नहीं आती? आपसे ही ये क्वेश्चन पूछ सकते थे अच्युत भक्ति जी, क्योंकि आपने आर्मी लाइफ भी देखा है एंड आपके हस्बैंड ने भी आर्मी लाइफ जिया है, और उसके साथ साथ आप भक्ति भी कर रहे हैं, तो क्या भगवान की भक्ति करने से राष्ट्र भक्ति में कमी आती है? क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? क्या नाम बताया इन्होंने अपना, शीतल शीतल जी। शीतल जी, भगवान की भक्ति से राष्ट्र भक्ति में कमी का कोई सवाल, मेरे को इसका कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है जो बहुत ही फुलफिलिंग है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप पेड़ के जड़ में आप पानी डालें तो सारी चीज को अपने आप ही पोषण मिल जाता है। तो जब वाह, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो अगर आप राष्ट्र भक्ति भी कर रहे हैं ना, मतलब कि अगर आप राष्ट्र के लिए भी काम करें, उसमें भी आप इतना इतना अच्छा से इतने अच्छे से काम करेंगे कि कमी का तो सवाल नहीं उठता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं आर्मी लाइफ में थी, तो मैंने अपने डेज को 3 8 आवरली में डिवाइड किया था। 8 आवर फॉर माई स्पिरिचुअल वर्क, 8 फॉर माई मेटीरियल वर्क एंड 8 फॉर माई स्लीप। सो बैलेंस आपको बनाना है। अगर आप बैलेंस बनाएंगे तो आपका जो मेटीरियल वर्क है वो हैम्पर नहीं करेगा। नहीं आप करेगा आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि भक्ति करने से किसी भी चीज में कमी आती है। नो तो ये कहना तो डेफिनेटली गलत होगा कि भक्ति में आ जाने से किसी भी चीज में कमी आती है। अच्युत नहीं भक्ति जैसा बताया कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि कितना टाइम हमें भक्ति को देना है, कितना टाइम हमारी पढ़ाई या हमारी जॉब या हमारे किसी भी इंटरेस्ट को देना है, और कितना टाइम अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को देना है, ये चीजों को अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो डेफिनेटली एक बैलेंस बना रहेगा, और कभी भी कृष्ण भक्ति किसी भी मटेरियल चीज के रास्ते में नहीं आती है, क्योंकि वो एकदम प्योर है, वो कभी किसी चीज को हैम्पर नहीं करती। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है रजनीश रावत जी की तरफ से। ये कहते हैं, द डिजायर फॉर डेथ इन द सेटिंग ऑफ टर्मिनल इलनेस हैज सीन टू बी मेड लीगल इन सो मेनी कंट्रीज, और इन सिंपल वर्ड्स, इच्छा मृत्यु। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस, प्लीज एक्सप्लेन। तो अच्युत भक्ति जी, ये चीज मैंने भी सुना है कि कुछ कंट्रीज में, जैसे अगर कोई बहुत बीमार रह रहा है कई सालों से, तो अपनी इच्छा से हम मृत्यु को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो वाली चीज को लीगल कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में। क्या ये चीज सही है? इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका मुझे उतना आइडिया तो है नहीं, बट लेकिन जहाँ तक इच्छा मृत्यु हमारे शास्त्रों में, जैसे भीष्म देव जी को मिला था, वो अपनी उन्होंने अपने जब चाहे तो वो अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन लीगैलिटी वाला एस्पेक्ट तो मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इसमें इसमें कुछ नहीं बता पाऊंगी। जी पर सफरिंग के वजह से, बहुत सफरिंग के वजह से अगर बहुत एक्यूट डिजीज है, तो फ्रेंकली मेरे पास इसका आंसर नहीं है, बिकॉज आपने लीगल एस्पेक्ट इसमें पूछा है, तो जी आई कांट गिव यू द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस, सॉरी। राइट, कोई बात नहीं अच्युत भक्ति जी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है, एक मिनट, ऋतु अक्षज दधीच जी की तरफ से। ये आपसे पूछना चाहती हैं कि जब से मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस में सरेंडर किया, तब से मुझे मेंटल पीस मिला है,
पास्ट बैड इंसिडेंट्स में भी मेरे पॉजिटिव व्यूज डेवलप हुए हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे है? चलिए, इनका एक्सपीरियंस सुन के हमें अच्छा लगा, थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फिर से एक अजय राज जी का क्वेश्चन आया है, ये पूछना चाहते हैं, इट इज सेड दैट मटेरियल पोजेशन डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस, बट एवरीवन अराउंड अस कैन बी इजीली सीन रनिंग बिहाइंड नेम एंड मनी एंड स्टिल डिससैटिस्फाइड, हाउ कैन वी बी कंटेंटेड विद व्हाट वी हैव। तो अच्युत भक्ति जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं कि भौतिक संसार में सब नेम फेम मनी के पीछे ही भाग रहे हैं, बट फिर भी वो असंतुष्ट ही है, ऐसा हम क्या करें कि हमें हमारे पास जो है हम उसी में ही संतुष्ट रहे। यस, टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आप जो लोग मटेरियल्स के पास के पीछे बहुत जाते हैं, टाइम भी बहुत कुछ हमें सिखाता है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि मटेरियल चीज से अगर आप देखें कि सेटिस्फैक्शन तो बहुत नहीं मिलता है, आप अगर एक, क्योंकि ये डिजायर कभी खत्म नहीं होती, आपके पास एक चीज आता है एंड फिर इसके बाद आपके डिजायर नेक्स्ट चीज लेने के लिए, जैसे सपोज अगर अभी आपके पास मारुति है या कोई भी गाड़ी है, तो आप फिर होंडा के लिए डिजायर करते हो, तो ये डिजायर तो अनएंडिंग है, और इस तरह करके तो ये रैट रेस में जाने से कोई परेशानी ही होती है। इनफैक्ट मेरा तो अपना ये मेरा तो अपना अनुभव है, और ये अपनी पर्सनल मैं आपको बताऊंगी कि जब इतनी सारी जब चीज़ें होती हैं तो उसको संभालना भी अपने आप में एक पेन है, एंड और वो संभालने के पीछे आपका इतना वैल्यूबल टाइम निकल जाता है जी। अगर आप चाहें तो उसके लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, बिकॉज अगर चीज़ें आप ज़्यादा रखेंगे और जितने आप हल्के रहेंगे ना कोई भी चीज़ करने में, आप ये एक्सपीरियंस किसी भी ब्रह्मचारी से ऐसे देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि ऑपुलेंट लाइफ मैंने बहुत देखा है, और मैं वृंदावन कार्तिक में जाती हूँ, इतने कम वन एक रूम में रह करके आती हूँ, वो इतना खुशी वाला माहौल होता है ना। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी भी आई थी, ज्वाइन किया था उसने मेरे को, एंड शी वाज सरप्राइज्ड कि आपको इस एक रूम में इतना बड़ा घर छोड़ करके आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एंड आई कुड सी द हैप्पीनेस व्हिच इज कमिंग ऊजिंग आउट फ्रॉम यू। तो मटेरियल चीज हमें हमारे पर बर्डन ज्यादा डालता है, हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करनी चाहिए, बिकॉज उससे हमारी लाइफ थोड़ी और अच्छी से अच्छी होती जाती है। बिल्कुल, तो यदि हम ट्रैवल कर रहे हैं उसे हम अगर हम अपने हाथ हल्के रखेंगे हमें चलना आसान होता है, उसी तरीके से अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो भौतिक आवश्यकताओं को भी कम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जितना कम से कम में संतुष्ट, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती हैं तो उतने में संतुष्ट हमें रहना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि आ रहा है ऐश्वर्याज वर्ल्ड जी की तरफ से, ये पूछते हैं व्हाट मोटिवेट्स यू टू कंटिन्यू इन भक्ति इवन इफ यू आर सराउंडेड बाय फ्यू पर्सनल प्रॉब्लम्स। ये आपसे पूछना चाह रही हैं अच्युत भक्ति जी कि आपको भक्ति में रहने के लिए क्या चीज ऐसी है जो कि मोटिवेटेड रखती है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बावजूद मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, इस बारे में कुछ गाइड कीजिए। यस, भक्ति जो है, आपने बोला कि भक्ति, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जितनी भी परेशानी हो, पर अगर आप अपने डीटी के पास जाते हो और उनसे बात करते हो तो आपकी परेशानियां बिल्कुल नलिफाइड हो जाती हैं, बिल्कुल आप बहुत शांत हो जाते हो। तो उपाय यही है कि आप अपना जो भी आप भक्ति का जो प्रोसेस कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, जो भी आपका प्रोसेस, आप जिसमें भी आप रिलिश करते हो आपको वो चीज करना चाहिए। तो ये शायद पिछला जैसे क्वेश्चन था कि भक्ति में कैसे मन लगाए रखें और कैसे आगे बढ़े, उसी के तरह अगर हम कहें कि अगर जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है अगर हम वो करेंगे तो मोटिवेशन इन भक्ति कंटिन्यूड रहता है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि आ रहा है रॉबिन गौतम की तरफ से, ये पूछना चाह रहे हैं इफ अ पर्सन इज वेल सेटल्ड इन लाइफ हैविंग नाइस एंड रिप्यूटेड जॉब एवरीथिंग इज फाइन इन हिज लाइफ
एंड ही डज नॉट फील सॉरी एक मिनट एंड ही डज नॉट फील दैट ही नीड्स टू फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस. हाउ विल ही कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? तो इनका बहुत ही नेचुरल सा सवाल है अर्चित भक्ति जी. ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में एकदम अच्छे से सेटल्ड है, उसके पास अच्छा नौकरी है, घर घर बार अच्छा है, पैसा अच्छा है, किसी चीज की कमी नहीं है, उसे भक्ति में लाया कैसे जाए, उसे कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके पास कोई दुख नहीं है. जिससे कहते हैं कि कोई दुख होता है तो ही हम भगवान के पास जाते हैं, या हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम भगवान को याद करते हैं. जब ऐसे किसी व्यक्ति के पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसको भक्ति में कैसे लेके आया जाए? भगवान ने भगवद गीता में बोला है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आज जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी च भरत ऋषभ. ये चार तरह के लोग जो है भक्ति में आते हैं. जी. तो आप अपने आप को खोजिए, आप अपने आप को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं. क्योंकि अगर आप भक्ति में आना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको इतना तो पक्का है कि आपको भक्ति का इम्पोर्टेंस मालूम है. तो आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को किस कैटेगरी में पाते हैं. एंड फिर उसके लिए, जैसे मैं क्यूरियस थी और मेरी क्यूरियोसिटी ने मेरे को भक्ति में खींचा. यू हैव टू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ की What is attracting you? Right, बिल्कुल. ये जानना तो जरूरी है कि क्या चीज, हमारा क्या रीजन है कि हम किस कारण से आ सकते हैं. जैसा आपने बताया कि चार तरीके से भगवान की भक्ति में अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो आपको जानना है कि आपका वो वे कौन सा है और ये चार वेज क्या है. इसके लिए भगवत गीता जरूर पढ़िए. अच्युत भक्ति जी, आप अगर वो श्लोक का नंबर बता देंगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली उसे पढ़ेंगे. ये 7th का 15 श्लोक है, 7th चैप्टर का भगवत का. तो दर्शकों, भगवत गीता के 7वें चैप्टर के 15वें श्लोक को आज आप जाके जरूर पढ़िएगा और जानिए कि आपका पर्पस क्या है, आपका मोटिव क्या है भक्ति में आने का. तो अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आ रहा है संजय सुकाये जी की तरफ से. ये कहते हैं, मैं माधवी हरे, क्या महामंत्र का मानसिक जप किया जा सकता है कहीं भी, और क्या किसी काम को करते समय उच्चारित करते हुए कर सकते हैं? तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं अच्युत भक्ति जी कि क्या मेंटली, जैसे मेडिटेशन करते हैं, मेंटली जप कर सकते हैं या काम करते हुए जप करना, क्या ये सब सही है? हाँ, अभी इतने फास्ट लाइफ में हमें समय चुराना पड़ता है, तो हम किसी भी टाइम में जप कर सकते हैं. जप करने का कोई टाइम ऐसा बंदिश नहीं है. हाँ, लेकिन मॉर्निंग का जब बहुत अच्छा होता है. और जैसे एज ए फीमेल हम लोग के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैं खुद भी काम करते हुए जब करती हूँ, काम करते हुए लेक्चर सुनती हूँ, तो ये बहुत ये हम कर सकते हैं. इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बल्कि हमें वैसे भी भगवान को हर स्थिति में याद करना चाहिए जो भी सिचुएशन है. बिल्कुल. और जैसा कि एक श्लोक है, कीर्तन या सदा हरि, भगवान का नाम कभी भी लिया जा सकता है. उसका कोई बंदिश नहीं है कि आपको सुबह करना है, रात को करना है, किसी भी कंडीशन में कैसे भी आपको करना है आप कर सकते हैं. भगवान का नाम इतना प्योर है कि वो डेफिनेटली हमारा हमें तार ही देगा. तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टू क्वेश्चंस की तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रीना सिंह जी की तरफ से. ये पूछते हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ और आगे क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा. जॉब भी नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है. I need to be independent. Please tell how to do. तो अच्युत भक्ति जी ये पूछना चाह रहे हैं कि एकदम अकेली है और मतलब एकदम अकेलापन इनके माइंड पे जैसे घर कर गया है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ भी जॉब नहीं है, तो इन्हें क्या करना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए? रीना जी, आपको अपना, आप ये देख सकते हैं कि आपकी आपका इंटरेस्ट किस में है. जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अकेलापन है, जॉब नहीं है. जॉब ही हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है. हमारे पास कुछ स्किल्स भी होते हैं, हम उस स्किल के ऊपर काम करके भी अगर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो घर बैठ करके भी आप कुछ इस तरीके का कुछ, अगर आपके पास स्किल है, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो सकती है, आप कोई चीज़ अच्छा बना, अगर कुकिंग में आप है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप कुकिंग करके उसको सेल कर सकती हैं इस तरह करके. तो इससे आपका अकेलापन भी दूर होगा, आप अगर इंगेज रहोगे तो अकेलापन भी दूर होगा, और आप कंस्ट्रक्टिवली आप
जब कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो जब जब आप कुछ काम करते हैं और उसमें जब रिजल्ट आता है तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है। बिल्कुल तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप उसके ऊपर काम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और सबसे जरूरी बात कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ हमेशा है। आप बस ये याद यस रखिए कि भगवान आपके साथ है, और यदि आपका कोई और नहीं भी है, आपका और भगवान का रिलेशनशिप जो है वो इटर्नल है, वो हमेशा के लिए है। तो आप अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप और नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं जिससे आप इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आ रहा है एके निराला जी की तरफ से। ये पूछना चाहते हैं, व्हाट इज द राइट वे ऑफ चैंटिंग महामंत्र? फर्स्ट वी शुड से हरे राम और हरे कृष्णा, बिकॉज इन उपनिषद हरे राम इज रिटन फर्स्ट, बट चैतन्य महाप्रभु सेड हरे कृष्णा फर्स्ट, व्हाट इज राइट? तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरे दिमाग में भी कभी कभी होता है अच्युत भक्ति जी, कि जैसे कुछ उपनिषदों में हरे राम वाला महामंत्र, हरे राम पहले बोलते हैं लाइन को और हरे कृष्णा बाद में बोलते हैं, बट चैतन्य महाप्रभु जो आए थे उन्होंने बोला कि हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए, पहले हरे कृष्णा बोलना चाहिए और बाद में हरे राम आता है। तो क्या सही तरीका है महामंत्र जप करने का? एके निराले जी, आप भगवान का नाम आप कैसे भी लीजिए, बट चाहे हरे राम पहले बोले हरे कृष्ण पहले बोले, लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने आकर के उन्होंने ये बताया कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे बोलना चाहिए। तो जब हम किसी जी आचार्य को और किसी को फॉलो करते हैं तो दैट इज द करेक्ट अप्रोच टू टू मूव इन दैट डायरेक्शन। तो जी वैसे उपनिषद में है कहीं हरे राम पहले है, तो हम उपनिषद को भी काट नहीं सकते, बट कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है वो हरे कृष्णा महामंत्र जो दिया है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें कलयुग में हरे संकीर्तन ऐसे ही करना चाहिए। जी ये इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए थैंक यू अच्युत भक्ति जी, मेरे दिमाग से भी निकल गया था ये, और आपने क्लियर किया ये थॉट को, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच दर्शकों, आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे जिसकी वजह से हमारे माइंड में भी क्लैरिटी आई और भी बहुत लोगों को हेल्प होगा। एंड थैंक यू अच्युत भक्ति जी, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे शो पे आप आए हैं और आपने अपना इतना ब्यूटिफुल जर्नी हमारे साथ शेयर किया और हमें इतने अच्छे से गाइड किया। तो एक फाइनल मैसेज अगर आपको हमारे दर्शकों को देना है तो वो क्या होगा? रुचि जी, फाइनल मैसेज, मुझे किताबों ने सहारा दिया भगवान का रास्ता पे जाने के लिए, तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग शास्त्रों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। भगवान ने भी कहा है, देखिए भगवद गीता का जो फाइनल श्लोक है, जो जो टीचिंग फाइनल टीचिंग जो हमें मिलती है, सर्व धर्म निपाय से जमामि कम शरणम व्रज, हम सब सर पापे में मोक्ष समय ना सोचा, दैट इज द ग्रेजुएशन, दैट इज द फर्स्ट वी हैव टू सरेंडर। फिर आपको सेकंड, भगवान ने खुद ही बोला कि जब आप सरेंडर करते हो, सरेंडर के बाद हम थोड़े फिर करना क्या है, उसी चीज को बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु कल आज से 500 साल पहले आए थे। तो हमें फिर कोई प्रोसेस, तो प्रोसेस हमें प्रोसेस में जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज खाली हम खाली सोल की सोल जो है वो बहुत एक्टिव है, वो खाली नहीं रह सकता है, आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो हमें अगर हम शास्त्रों को पढ़ते तो हमें प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है, जैसे मुझे प्रभुपाद की लीला में पढ़ करके मिली थी, मेरे मेरे को अपने जीवन का उद्देश्य पता चल गया था। तो किताबों का सहारा नहीं, शास्त्रों का सहारा नहीं, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग शास्त्रों को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच अच्युत भक्ति जी, इतना अच्छा आपका जर्नी, आप हमें ले चले आपकी जर्नी पे, थैंक यू सो मच। आपसे फिर कभी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा। तो दर्शकों, आज हमने जाना अच्युत भक्ति जी का इतना ब्यूटीफुल जर्नी, कैसे उनको एक बुक्स ने खींच लिया भक्ति के अंदर, और कैसे उन्होंने आर्मी के कैंटोनमेंट एरियाज में धीरे 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 करके डोजेस देके भक्ति को आगे बढ़ाया। और कल हमारे शो पे आएंगे कौन,
वो जिन्होंने जीती कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जंग, वो जो कि है एक स्पेशल चाइल्ड की माँ और एक कुशल गृहिणी और एक हस्ती मुस्कुराती हुई भक्त। मिलेंगे कल हम अर्चना शानभाग जी से, जिनको हम ब्रजेश्वरी देवी दासी जी के नाम से भी जानते हैं। तो कल मिलेंगे इस भक्त के साथ हमारे इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ इस शो में जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम कल सेम टाइम पे 8 बजे। आपसे इजाजत मैं लूंगी। हरे कृष्णा।